अबे दो और तस्वीरें जरा इनको भी आप देखिए, प्रदर्शनकारी झुंड बनाकर खड़े हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पुलिस इनको आगे बढ़ने दे नहीं रही, बैरिकेड लगाया हुआ है और जहां भी ये लोग बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पुलिस बल प्रयोग करती है। अभी तक कोई ऐसी बड़े बैरिकेड को ब्रीच नहीं कर पाए प्रदर्शनकारी और अब इनकी धरपकड़ भी शुरू कर दी है कोलकाता पुलिस ने। आपको पुलिस की वैन्स वहां पर दिखाई दे रही हैं, जहां जहां ऐसे लोग हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की है उनको चिन्हित करने की कोशिश करके उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का भारी दस्ता इस वक्त इन प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आपको सड़क पर दिखाई दे रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स भी है, महिला पुलिस भी है। देखिए बाजार के अंदर जो है पुलिस अब मार्च कर रही है, कहीं भी हो ये प्रोटेस्टर्स उनको वहां से खदेड़ना इनका काम है। तो ये आपने देखा आज आलम जो कोलकाता में बना हुआ है, ये छात्रों का प्रोटेस्ट था जिसको नाम दिया गया था नबन्ना अभियान, यानी नबन्ना यानी सेक्रेटेरिएट सचिवालय जहां ममता बनर्जी इस वक्त भी बैठी हुई हैं, पीछे की तरफ गिरे और उस सचिवालय तक ये लोग छात्र जो हैं वो जाना चाहते थे और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपने सड़कों पर देखा ही। समीर जी, छात्र भारी पड़े या पुलिस ये विषय नहीं है, लेकिन आज इतने छात्र उतरे ममता बनर्जी की सरकार को हिलाने के लिए, ये विषय देखिए बिल्कुल जिस 9 अगस्त की जो घटना घटी थी उसके बाद से लगातार जिस तरीके से पूरे बंगाल के अंदर और पूरे देश के अंदर इसको नाराजगी थी, लगातार डॉक्टर आंदोलन करते रहे, दूसरे संस्थाएं आंदोलन करते रहे, जिस तरीके से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दिया, सीबीआई ने गिरफ्तारी की, सीबीआई जाँच कर रही, मुझे लग रहा है छात्रों का आंदोलन ये था, लेकिन इसमें मुझे लग रहा है बहुत बड़ी मात्रा में छात्र नहीं इकट्ठे होने दिया ममता सरकार ने। सरकार को अंदाज था कि बड़ी मात्रा में छात्र आ सकते हैं, तो उन्होंने हावड़ा ब्रिज को बंद कर दिया, नबन्ना जहां सचिवालय वहां पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए, और मुझे लगता है कि सरकार को लगा कि अगर ज़्यादा समय देंगे तो छात्र यहाँ इकट्ठे हो सकते हैं, तो सरकार ने समय रहते मुझे लगता है पहले ही छात्रों को खदेड़ना शुरू किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज किया और बाद में वहाँ से हटा दिया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पूरे बंगाल के अंदर यह बात जा रही है और अब तो भारतीय जनता पार्टी का भी बयान आया है कि अगर छात्रों पर इस तरीके से ज्यादा की जाएगी तो कल पूरा बंगाल हम बंद करेंगे, चक्का बना दिए बीजेपी ने, बिल्कुल बना दिया। मुझे लग रहा है सिर्फ ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी का ये राहत की बात है कि अभी आपने छात्रों को खदेड़ दिया तो अभी आंदोलन नहीं होगा, ये तो चिंगारी लग चुकी है बंगाल के अंदर। आज कहीं बंगाल के अंदर कलकत्ता में हावड़ा ब्रिज के सामने प्रदर्शन हुआ है, ममता बनर्जी के सचिवालय को घेरने का प्रदर्शन हुआ है, और अब देखना कल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस प्रदर्शन को आगे लेकर जाएगी और बाकी संगठन भी इसमें शामिल होंगे। अब ये ममता बनर्जी के लिए बहुत मुश्किल होगा कि इस आंदोलन से कैसे निपटे। अभी तक तो वो राजनीतिक दल के ऊपर आरोप लगा रही थी, लेकिन अब जब छात्र आ रहे इसके अंदर कोई राजनीतिक दल दिखा नहीं, कोई सांसद नहीं था, कोई विधायक नहीं था, किसी पार्टी का कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं था, अगर ऐसी स्थिति में अगर छात्र सड़कों पर आ रहे हैं और कल अगर और ज्यादा आप इसको शुद्ध छात्रों का प्रदर्शन मानते हैं? बिल्कुल, मैं इसे छात्रों का प्रदर्शन इसलिए मानता हूं कि इसमें कोई भी पॉलिटिकल लीडर इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कहीं सांसद नजर नहीं आ रहा, कोई पॉलिटिकल लीडर का बैनर नजर नहीं आ रहा, किसी पार्टी का झंडा नजर नहीं आ रहा, छात्रों का प्रदर्शन ही है। अगर ये छात्रों का प्रदर्शन और आगे बढ़ता है, कल और छात्र सड़कों पर उतरते हैं, तो मुझे लगता है ममता बनर्जी को निपटना बहुत मुश्किल होगा। अवधेश जी, किस तरीके से आज के प्रोटेस्ट को देखेंगे? ममता बनर्जी कह रही है कि ये तो बीजेपी का लेफ्ट का प्रदर्शन है, इसमें छात्र नहीं है। होंगे तो छात्र बीजेपी के भी हो सकते हैं, लेफ्ट के भी हो सकते हैं, किसी भी संगठन के हो सकते हैं, किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ छात्र संगठन होना, उससे जुड़ा छात्र होना कोई अपराध नहीं है। मूल बात यह है कि जो प्रदर्शन कर रहे थे वो प्रदर्शन न्याय संगत उचित संविधान के तहत और लोकतांत्रिक अधिकारों के पालन करते हुए था या नहीं था, तो हमको दिखाई दे रहा है कि छात्र ज़्यादातर निहत्थे थे, तिरंगे झंडे लिए हुए थे, नारे लगा रहे थे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, हम सब लोगों ने आंदोलन किया है, इसी प्रकार से आंदोलन हुए हैं, इसलिए वो आरोप लगाना ममता बनर्जी स्वयं, अगर देखिए यही सचिवालय है जिसमें 21 जुलाई 1993 को वो सैम युवा मोर्चा में युवा कांग्रेस में थी और लेके प्रदर्शन करने गई थी सरकार के विरुद्ध में, जब आई कार्ड अनिवार्य किया गया था वोटर आई कार्ड चुनाव में, और फिर उस पर गोलियां चली थी, उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी, तो वो स्वयं ऐसे मार्च करती रही हैं। किसी का भी हो, मुख्यमंत्री का अगर एक भी बयान कभी शांति के लिए आ जाए कि हम जांच करा रहे हैं, छात्रों से हम बात करना चाहते हैं,
एक प्रतिनिधि मंडल हमारे पास आए या हम एक कमेटी बना दे रहे हैं छात्र उनसे आके बात कर लें। कभी कोई ऐसा लोगों के बीच शांतिकारक बयान उनका आ जाता तो लोकतांत्रिकता मानी जाती। वो तो ऐसा लगता है जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उनकी पूरी सत्ता लोकतांत्रिक दृष्टि से आवाज उठाने वाले सामान्य न्याय करने वाले के मांग के विरुद्ध खड़ी है हर स्तर पर। इसमें होना क्या चाहिए? छात्रों के प्रदर्शन की घोषणा हो चुकी है। सरकार की पहली जिम्मेवारी थी कि या तो 5 लोगों की मंत्रियों की अधिकारियों की एक कमेटी बना देते या मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि जो नेता हैं वो समय लें और हमारे पास आए अपना प्रतिवेदन दें। ये 2 रास्ते हो सकते थे, इन्हीं दोनों रास्तों से इसका निदान निकल सकता था। बाकी तो पुलिस की व्यवस्था, पुलिस को अगर आप जिम्मेवारी देंगे तो पुलिस अपनी भूमिका वैसे ही निभाएगी। उसका काम शांति व्यवस्था स्थापित करना है। देखिए भाई, टीएमसी तो ये कह रही है ना ये प्रदर्शन किस लिए, सीबीआई जांच कर रही है। अब तो जांच है नहीं कोलकाता पुलिस के खिलाफ के पास, तो सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई बताएगी कि उसमें क्या निकला। अभी तक सीबीआई इतने ऐसा कुछ नया भी नहीं बता दिया जो कोलकाता पुलिस ना बता पाई हो। विजय जी, फिर भी इस प्रोटेस्ट को आप कैसे देखेंगे? देखिए, प्रोटेस्ट हो रहा है जो कुछ घटना हुई उसके खिलाफ, ये नहीं कि जांच के खिलाफ कुछ हो रहा है। प्रोटेस्ट हो रहा है कि जो हुआ उसके खिलाफ है और लोग वहाँ पर नाराज हैं, बल्कि कलकत्ता में नहीं देश भर में भी बहुत अलग अलग प्रदर्शन हो रहे हैं। और मैं अवधेश जी के इस बात से सहमत हूँ, ये कोई ऐसी बात नहीं। मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी भी इसको सपोर्ट कर रही है तो कोई अपराध नहीं है ना। पॉलिटिकल पार्टीज का काम ही यह है कि जो लोग हैं उनकी भावनाओं को एक्सप्रेस करना, उनके साथ होना। इसमें भले ही साथ नहीं दिखाई दे रहे हो, लेकिन बीजेपी भी हो या लेफ्ट भी हो या कोई और भी हो, तो उसमें कोई अपराध नहीं है। 21 जुलाई 1993 का जिक्र किया गया, 21 जुलाई 1993 को जिस तरह का आंदोलन हुआ था, जिस तरह की फायरिंग हुई थी, एक्चुअली ममता बनर्जी बनी उस दिन से हीरो थी, पॉलिटिकल हीरो जो है उस फायरिंग के बाद हुई, जिसमें 13 लोग छात्र थे मारे गए थे। अच्छा। पुलिस फायरिंग में तो वो बड़ी घटना थी। लीड ममता जी कर रही थी और वहीं से उनका एक पॉलिटिकल जंप जो है करियर का वहाँ से शुरू हुआ था। यूथ कांग्रेस की वो लीडर होती थी। अब सरकार को ये चाहिए कि वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठकर बात करें, क्योंकि इतने दिन में 15 दिन करीब करीब हो गए इस घटना को, 15 दिन से ज़्यादा ही हो गए हैं कि सरकार के और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। जाँच तो होती रहेगी सीबीआई से, ये हम जो उम्मीद करते हैं ना, ये उम्मीद ही मुझे गलत थी कि हर दिन वो आपको बताए आकर कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक बात है। उनका काम तो कोर्ट में अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करना है या जहाँ भी इन्वेस्टिगेशन की बात को करना है। तो ये समझना कि जो ममता जी ने कहा था कि शुरुआत से ये हुआ, डॉक्टर्स ने, जो डॉक्टर स्टूडेंट्स ही हैं, उन्होंने ये, उनको ये आभास मिला कि ये सरकार हमारे खिलाफ है या ये कुछ छुपा रही है। हाँ। वो तो बैठे थे कॉलेज के बाहर, प्रदर्शन कर रहे थे अपना मंच लगाकर। तो ये मामला ही बहुत बढ़ गया, साथ मारपीट हो गई। अब तो ये मामला वैसे दूसरी तरफ भी बहुत बढ़ गया है, केवल वो बच्ची के साथ जो हुआ है वो तो है ही, उसके बाद जो परतें खुली हैं वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा खेल है और उसको लेकर ये सारी लड़ाई भी चल रही है। ममता जी शायद ऐसा कह नहीं रहा, लेकिन उनकी सरकार उन सबको बचाने में लगी हुई है, ऐसी एक्सरसाइज दिखाई देती है कि किसी को बचाया जा रहा है, किसी को बचाया जा रहा है। अरे अब जिस समय प्रदर्शनकारियों पर कोलकाता पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी या डंडे बरसाए, हमारे इंडिया टीवी के रिपोर्टर मनीष प्रसाद वहां मौके पर थे, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, जरा उसको देखिए। प्रदर्शन और ये टियर शेल लॉन्च कर दिया है, टियर शेल यानी जो शेल है उसके जरिए फायर किया जा रहा है और फायर करने के साथ साथ अब आंसू गैस के गोलों को छोड़ा गया है। और ये देखिए वो ठीक पीछे आंसू गैस के गोले वो पड़ते हुए वो ठीक पीछे की तरफ गिरे हैं। और इसके साथ हम आपको बता दें कि जो प्रदर्शन है जिसका अंदेशा था उग्र हो रहा था, वो देखिए एक बार फिर से पीछे की तरफ फायर किया जा रहा है और लगातार दूसरी तरफ से फायर हो रहा है ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। और यहां पर एक तरफ वाटर कैनन से फायर हो रहा है तो दूसरी तरफ जो आंसू गैस है उसको छोड़ा गया है ताकि स्थिति को सामान्य किया जा सके, जो भीड़ है उसको पूरी तरह से यहां से खत्म किया जा सके। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय ये जो आंसू गैस के छोड़े गोले छोड़े गए उसकी वजह से देख पाना बहुत ही मुश्किल है। ये खतरा है,
ये हावड़ा ब्रिज जो कि हुगली नदी के ऊपर बना है, 705 मीटर का ब्रिज है। इसमें 16 लेयर सिक्योरिटी तैयार की गई और इसे पार करना इस समय प्रदर्शनकारियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, ताकि वो सेक्रेटेरिएट तक पहुंच सके। इसीलिए ठीक सामने वाटर कैनन के छिड़काव से इस भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर? भैया देखने के लिए जो काम हुआ है बहुत गलत हुआ है, वो जस्टिस मिलना चाहिए सबको। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि प्रदर्शन हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ममता बनर्जी की अगर थोड़ी सी भी नैतिकता हो तो नैतिकता के आधार पर इमीडिएट उसको रिजाइन करके भाग जाना चाहिए। यहाँ पर जो बैरिकेड के पास प्रदर्शनकारी थे उनको तितर बितर करने के लिए, उनको यहाँ से हटाने के लिए अब वाटर कैनन का छिड़काव किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। लेकिन समूह में सामूहिक तौर पर छात्र कह लीजिए, प्रदर्शनकारी कह लीजिए, या वो लोग कह लीजिए जो बिटिया जो पीड़िता को इंसाफ दिलाने की इस मुहिम में यहां तक पहुंचे हैं, आप इसे राजनीतिक कह लीजिए या प्रदर्शनकारी वो हैं जो कि यहां के छात्र हैं या फिर यहां के लोग हैं। ये फिर से एक बार फिर से पावर शेल्स और जो टीयर शेल्स हैं वो फायर किया गया है, ताकि जो यहां पर जितने भी भीड़ के अंदर जो एंटी सोशल लोग हैं वो उनको यहां से हटाया जा सके। और ये एक बार फिर से शेल्स यहां पे फायर किया जा रहा है, ताकि इस मिर्ची शेल के जरिए यहां पर जितने भी लोग हैं वो पीछे जा सके। और एक बार फिर से ये पीछे हटते हैं और फिर वापस आगे की तरफ आते हैं। अपने कैमरा पर्सन अमित को कहूंगा कि वो दिखाएं तस्वीरें। सामने बैरिकेड के सामने अभी भी भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो मौजूद हैं, उसके साथ साथ जो शेल्स हैं वो फायर किया जा रहा है लगातार, ताकि इस जगह से लोगों को हटाया जा सके। शेल जैसे ही फेंका गया, अब बोलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि गीला रुमाल यहाँ पे होने की बहुत आवश्यकता है, और इसी वजह से यहाँ पर जो अब बोलना काफी कठिन है, क्योंकि जो इसी तरफ जितने भी प्रदर्शन कर रहे लोग थे वो आगे की तरफ आए, और फिर वही दूसरी तरफ जो तमाम लोग हैं हाथों में तिरंगा लिए हुए बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और इस वजह से इन सभी को यहां से हटाने की कोशिश की गई है और लगातार शेल फायर किया जा रहा है। कोशिश इस बात की है कि यहां से इनको हटाया जा सके। और ये देखिए एक बार फिर से वो जो मेन बैरिकेड है जो कि मेन पैसेज के तौर पर है, वहां से हटाने की कोशिश में जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? विचार चाहिए अभय अंडर विचार चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए एक बार फिर से सौरभ, ये लाठी चार्ज की स्थिति है, यानी वो लोग जो कि इस प्रदर्शन का हिस्सा थे उनको यहां से हटाया जा रहा है और उनको यहां से पूरी तरीके से खदेड़ा जा रहा है। दरअसल इसी के जरिए जो यहां पे भीड़ थी उन सबको हटाने की पूरी एक कार्रवाई है इस समय कोलकाता पुलिस के जरिए, और ये अब पूरा जो एरिया है उसको साफ कर दिया गया है।